नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। पीएनबी घोटाले पर राहुल गांधी का तंज, भारत को लूटने का तरीका नीरव मोदी ने समझाया। नई दिल्ली, कांग्रेस ने कथित तौर पर आरोप लगाया कि जब अरबपति कारोबारी नीरव मोदी करीब 12,000 करोड़ रुपए की चोरी कर देश से भाग रहा था, उस दौरान भाजपा नीत केंद्र सरकार दूसरी ओर ध्यान लगाए हुए थी। इसके साथ ही प्रमुख विपक्षी पार्टी ने नीरव की तुलना शराब कारोबारी विजय माल्या से भी की, जो पहले से ही ब्रिटेन में रह रहे हैं। हीरा कारोबारी नीरव मोदी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने ट्विटर पर लिखा, नीरव मोदी ने समझाया है कि भारत को कैसे लूटा जा सकता है। सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी को गले मिलो, दावोस में पीएम मोदी के साथ भी नजर आओ। राहुल ने लिखा कि देश के 12,000 करोड़ रुपए चुराओ और विजय माल्या की तरह देश से पैसे लेकर भाग जाओ। पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी में बुधवार 14 फरवरी को करीब 11,400 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला सामने आया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा खुद इस घोटाले का खुलासा किया गया है। यह घोटाला कथित रूप से हीरा कारोबारी नीरव मोदी ने किया है। इस मामले में अरबपति आभूषण कारोबारी नीरव मोदी 46 ने कथित रूप से बैंक की मुंबई शाखा से धोखाधड़ी वाला गारंटी पत्र LOU हासिल कर अन्य भारतीय ऋणदाताओं से विदेशी ऋण हासिल किया। पीएनबी ने इस मामले में 10 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है, साथ ही मामले को जांच के लिए CBI के पास भेज दिया है। वित्तीय सेवा सचिव राजीव कुमार ने कहा कि यह एक अकेला मामला है और इससे अन्य बैंकों पर असर नहीं होगा। पीएनबी ने बयान में कहा कि उसकी मुंबई की एक शाखा में कुछ धोखाधड़ी वाले अनाधिकृत लेनदेन का पता चला है। ये लेनदेन कुछ चुनिंदा खाताधारकों को लाभ पहुंचाने वाले हैं और इसमें उनकी भी सांठगांठ है। बैंक ने कहा कि इन लेनदेन के आधार पर अन्य बैंकों ने संभवत कुछ ग्राहकों को विदेशों में ऋण दिया है। हालांकि पीएनबी ने इन बैंकों का नाम नहीं लिया, लेकिन समझा जाता है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक और एक्सिस बैंक ने पीएनबी के गारंटी पत्रों के आधार पर कर्ज दिया। LOU वह पत्र है जिसके आधार पर एक बैंक द्वारा अन्य बैंकों को एक तरह से गारंटी पत्र उपलब्ध कराया जाता है, जिसके आधार पर विदेशी शाखाएं ऋण की पेशकश करती हैं। विदेशी बैंक शाखाएं भी जांच के घेरे में हैं। इस घोटाले में कई बड़ी आभूषण कंपनियां, मसलन गीतांजलि, गिन्नी और नक्षत्र भी विभिन्न जांच एजेंसियों की जांच के दायरे में आ गई हैं। पिछले सप्ताह पीएनबी ने सीबीआई के पास FIR दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि 16 जनवरी को सबसे पहले 280.7 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी वाले गारंटी पत्र जारी किए गए। उस समय बैंक ने कहा था कि वह रिकॉर्डों की जांच कर रहा है, जिससे पता चल सके कि घोटाला कितना बड़ा है। अपनी शिकायत में पीएनबी ने तीन हीरा कंपनियों डायमंड्स RUS, सोलर एक्सपोर्ट्स और स्टेलर डायमंड्स का नाम लिया था। शिकायत में कहा गया था कि उन्होंने 16 जनवरी को बैंक से विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान को खरीदार ऋण के लिए संपर्क किया था। बैंक ने LOU जारी करने के लिए प्रतिशत का नकद मार्जिन मांगा था, जिसका इन कंपनियों ने विरोध करते हुए कहा था कि वे यह सुविधा 2010 से प्राप्त कर रही हैं। नीरव मोदी, उनकी पत्नी एमी और भाई निशाल और मेहुल चौकसी डायमंड्स RUS, सोलर एक्सपोर्ट्स तथा स्टेलर डायमंड्स में भागीदार हैं। इन कंपनियों की हांगकांग, दुबई और न्यूयॉर्क जैसे विदेशी गंतव्यों में इकाइयां हैं। जिन बैंक अधिकारियों का नाम इस मामले में आया है, उनमें उप प्रबंधक गोकुलनाथ शेट्टी भी शामिल हैं, जो 31 मार्च 2010 से पीएनबी के मुंबई में विदेशी विनिमय विभाग में कार्यरत थे। कथित रूप से शेट्टी ने एक अन्य अधिकारी मनोज खारत के साथ मिलकर ये धोखाधड़ी वाले LOU जारी किए। दोस्तों, हमारी हर न्यूज को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।